हमारे पास 5 किलो ओनियन सीड्स है प्रसिद्धि का, अभी इनकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और 5 सरी है हमारे पास बनी हुई, इनके अंदर इनको डालेंगे। और ये ब्लेड, इसमें से कैसा बीज निकलता है अच्छी क्वालिटी का, इसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा हमें कैसा है। दाने की क्वालिटी तो काफ़ी बेटर है। चलो 1 किलो और डाल, आधा किलो और डाल देते हैं, फिर इसको पहले खेत में डाल देते हैं, उसके बाद दूसरे बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। चलो इमरान भाई, पहले वो वाली छोड़ देते ना। बोलो, ये अगली सरी के लिए हम अगला पैकेट काट रहे हैं। और एक 300 फीट की हमारी सरी है, इसमें हम 1 किलो बीज डाल रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक सरी में 1 किलो बीज डालने पर बहुत ज़्यादा उगता है या कम उगता है, ताकि अगली बार हमें अनुभव हो जाएगा कि हमें कितना डालना होगा, क्योंकि परिस्थिति ही अनुभव देती है। चलो देखो ये वाली शुरू करते अपन। हमें दाने एक जैसे डालने, ताकि दूर दूर एक जैसे दाने हो गए, ताकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा ज़्यादा एक जगह गिर जाए और गुच्छे के गुच्छे उगने लगे थे। ऐसे ले ही लाने। ये आप बीज देख सकते हो, इस बीज को एक जैसा डालना है, ताकि ज़्यादा डालोगे तो फिर वो एक जगह नहीं, एक ही जगह उग जाएंगे सारे और एक साइड खाली रह जाएगी। इसलिए सावधानी रखिए और आराम से धीरे धीरे क्यारियों के अंदर उड़ाएं, ताकि पूरी क्यारी के अंदर एक जैसा बीज गिरे। लगभग सारे पैकेट के अंदर एक ही क्वालिटी के, एक ही साइज के दाने निकल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग तरह के दाने निकल रहे हैं। पर एक सावधानी रखनी हमें कि 2 पैकेट या 3 पैक को एक साथ मिला लेना, ऐसा ना हो कि कभी एक पैक के दाने कम हो गए तो दूसरे वाले भी अच्छा हो गए, उसके साथ मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक एक दो दो पैकेट को मिलाते रहना चाहिए, ताकि सारा बीज एक जैसा हो जाए। ये प्याज की नर्सरी लगभग 45 से 50 दिन में तैयार हो जाएगी। हमें इसे मटर की फसल हटाने के बाद उसमें इस प्याज को लगाना है। ओनियन सीड डालने के बाद इसके अंदर हम 5 किलो सल्फर दाल वाली डाल रहे, ताकि ज़मीन नर्म भी रहे और उसमें उर्वरक मिलने से पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। और इसके बाद हम इसके ऊपर कांटे का एक झवरा फेर देंगे, ताकि ऊपर जो कण है वो अंदर आसानी से मिल जाए। इसकी सिंचाई हमें तुरंत करनी है, ताकि चींटियाँ इसको इकट्ठा ना कर सके। ऐसा ना हो कि हम आज इसमें बीज डाल दें और एक दो दिन तक सिंचाई ना करेंगे तो चींटियाँ इस बीज को इकट्ठा कर देगी। सबसे पहले हमने खेत तैयार करने के लिए इसमें पंजा किया, फिर उसके बाद रोटावेटर करा, ताकि बारीक मिट्टी हो सके। और फिर हमने फार्म से अच्छी तरह से सरिया बना दी, और उसके बाद हमने इसमें प्याज के बीज को डालना शुरू किया।
अब इसमें हमको पानी देने से पहले इसके ऊपर कुछ कांटे जाली कांटेदार झाड़ियों की एक डाली फेर देंगे, ताकि सारा बीज जो ऊपर पत्थरों के ऊपर टिका हुआ है वो भी ज़मीन की गहराई के अंदर चला जाए।